अगस्त का महीना है हमारी मीठी प्यारी दादी का। 25 अगस्त को दादी अव्यक्त हुई और दादी के संग रह के मैंने बहुत साल बिताए और दादी से बहुत ऐसी ऐसी बातें मैंने जीवन में सीखी जिससे मैंने आज दिन तक भी उन धारणाओं को उन बातों को याद करती हूँ और प्रैक्टिकल जीवन में लाती हूँ, उसे मुझे बहुत लाभ प्राप्त होता है। सबसे पहली बात कि दादी जो थी वो गंभीर थी, धैर्यवत थी और दादी के अंदर परखने की शक्ति बहुत थी। दूर से ही दादी के पास जब जाते थे तो दादी दृष्टि से ही इतनी पावरफुल दृष्टि दादी देती थी जिससे दादी को मैं हमारी परख हो जाती थी। लेकिन फिर भी दादी कभी कोई ऐसी बात हम लोगों को नहीं सुनाई, बल दादी समझती थी कि हमारे में क्या कमी है, क्या हमारे में ऐसी त्रुटि है, परंतु वो शिक्षाओं के तौर पे हमको समझाती थी और हम समझ जाते थे। सबसे पहली बात जो दादी से मैंने पूछी थी कि दादी जब कोई बात कहता है तो हमको भी कुछ कहना तो पड़ता है, अगर उनकी बात को हम अगर सुनेंगे और बोलेंगे नहीं तो वो बात बढ़ती जाएगी। दादी ने कहा नहीं, अगर कोई कुछ भी बोले तो आप चुप रहो, कहते हैं ना एक चुप सौ सुख, तो उससे आपको फायदा होगा। अगर आप एक बोलेंगी वो दस बोलेंगी, कहा एक बोलेंगी दस सुनना पड़ेगा, ये समझ जाओ। इसीलिए सदा ये जीवन में याद रखो कि कोई कुछ भी कहे तुमको चुप रहना है, शांत रहना है, क्योंकि हमारा स्वधर्म शांति है। दूसरी बात, मैंने एक बार दादी से पूछा कि दादी आप इतना बड़ा यज्ञ है उसमें कितने विघ्न आते हैं, इतना कारोबार है, इतनी सारी बहनें हैं, बहुत प्रॉब्लम्स ले आती है, तो क्या इन प्रॉब्लम्स को सुनते दादी आपको कभी भारीपन नहीं महसूस होता है? तो दादी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि देखो ये यज्ञ बाबा का है, बच्चे बाबा के हैं, करण करावनहार बाबा है, तो मैं सदा जीवन में ये याद रखती हूँ कि करण करावनहार बाबा मेरे से करा रहा है, मैं करणहार हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ लेकिन बाबा मेरे से करवा रहा है, तो उसे मैं सदा लाइट रहती हूँ। मैं कभी भी अपने जीवन में किसी भी बात का, किसी भी विघ्न का बोझ नहीं महसूस करती थी, क्योंकि बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरे साथ है, बाबा का यज्ञ बाबा ही चला रहा है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और उसी को मैं आज दिन तक भी कहा कि निमित्त समझ के कोई भी काम करो, कि हम जो भी कार्य करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, तो बाबा ने हमको निमित्त बनाया है, जो बाबा सेवा देता है उसमें हमको संतुष्ट रह के बाबा की याद में रह के उसको करना चाहिए, तो सफलता अवश्य मिलती है। तीसरी बात, दादी के अंदर मैंने देखी कि दादी के चेहरे पर कभी हमने उदासी चिंता का चिन्ह भी नहीं देखा होगा। हम लोग तो अपने जीवन में देखते हैं कोई भी बात होती है तो उसमें हम लोग थोड़े उदास भी हो जाते हैं, कभी थोड़ी सी चिंतन भी चलता है, कभी चिंता भी लग जाती है। तो मैंने कहा दादी हम तो ऐसे हो जाता है, कभी उदास हो जाते हैं, कभी चिंता लगती है, फिर वो संकल्प चलते हैं। तो दादी ने इस पर भी मुझे बहुत अच्छी समझानी दी कि देखो गीता अगर हम बाबा के यज्ञ में रहते हैं और बाबा की सेवा करते हैं तो बाबा हमारा रक्षक शिक्षक है, बाबा को हमारी फिक्र है, बाबा ने चिंता करनी है, हमको क्यों चिंता करनी है? तो कहा यज्ञ बाबा का, सेवा बाबा की, हम तो निमित्त मात्र है। तो कहा सदा अपने को निमित्त समझ के अगर करेंगी तो तुम्हारे अंदर ये चिंतन जो चिंता है रूप कभी नहीं आएगा। और मैं देखती हूँ कि इस चीज को मैं प्रैक्टिकली करती हूँ, कितने भी बड़े से बड़े कार्य मैंने देखा दादी के सामने आते थे, चाहे उसमें चाहे धन की बात हो, चाहे स्थान की बात हो, चाहे स्टूडेंट की बात हो, तो कभी भी दादी के चेहरे पे मैंने उदासी नहीं देखी, कभी चिंता का चिन्ह भी नहीं देखा।
तो हम भी कभी कभी जब दादी के पास जाते थे तो दादी इतना उमंग उल्लास हमारे में भर देती थी, जो हमारे अंदर से एकदम निरसंकल्प अवस्था हो जाना, चिंता गायब हो जाती थी और हम उसी चिंतन में लगे रहते थे। तो वो कहती थी सदा, अच्छी बातें सोचो, ये नहीं सोचो क्या होगा कैसे होगा, कराने वाला करा रहा है हमको निमित्त मात्र। तो निमित्त समझने से तो कहा, एक तो आप निरहंकारी रहेंगी, दूसरा तुम्हारे अंदर कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं आएगी। लेकिन मैंने ये देखा कि दादी सदा खुश रहती थी, लाइट, सदा लाइट मूड में होगी, हमेशा लाइट और माइट रो। लेकिन हम लोग तो कभी कभी जीवन में थोड़ा भारी हो जाते हैं, कभी हमारे शक्ति में थोड़ी कमी पड़ जाती है। तो मैंने कहा, दादी वैसे तो आत्मा तो लाइट स्वरूप है, हम जानते हैं, कहते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उस लाइट स्वरूप में कैसे स्थित रहें। तो कहा कि लाइट और माइट ये आत्मा के विशेष गुण है, विशेष शक्तियां हैं। तो अगर कहा कि हर काम में आप लाइट रहेंगी तो काम भी लाइट होगा, अगर आप भारी हो जाएंगे तो जो भी काम करेंगी वो भारी लगेगा। कहा जब हम लाइट होते हैं तो हमारे साथी भी लाइट होंगे, हमारा कार्य भी लाइट होगा और वो कार्य सफलता को भी प्राप्त करता है। लेकिन जब हम भारी होके कार्य करते हैं तो वो कार्य भी भारी, हम भी भारी और सफलता भी नहीं मिलती है, तो फायदा क्या हुआ। तो इसके लिए अपने जीवन में सदा लाइट और माइट स्वरूप बन के रहती थी और हमारे अंदर इतना उमंग उल्लास बढ़ जाता था, खुशी बढ़ जाती थी, जो हमको सब चिंताओं से मुक्त कर देती थी। तो इस प्रकार से दादी हमेशा हमको उमंग उत्साह में लाती थी और सदा हमको कहा, खुश रहना ये जीवन का आधार। ओम शांति।